नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा। सीएम ममता ने कहा कि ये बिल लोगों पर बोझ है, हमने सदन में भी इस एक्ट का विरोध किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिया गया निर्णय मानवाधिकारों को देखते हुए लेना चाहिए था। राज्य में गरीब लोग भी हैं, उनके पास भारी भरकम जुर्माना देने के लिए पैसे कहां से आएंगे। मथुरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में गाय का जिक्र करते हुए कहा कि ओम और गाय शब्द सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों के कान में गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको करंट लग जाता है। उनको लगता है कि देश 16वीं 17वीं सदी में चला गया है, ऐसे लोगों ने ही देश को बर्बाद कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मथुरा में अमेरिका पर हुए 9/11 हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, आज आतंकवाद एक विचारधारा बन गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की जड़ें हमारे पड़ोस में पनप रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत पूर्ण रूप से सक्षम है और हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर झटका लगा है। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत पाकिस्तान आपस में बातचीत करके सुलझाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस मसले पर मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है और जवाब में कहा कि भारत अगर कहेगा तो विचार किया जाएगा। चिन्मयानंद केस में बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की ने चिन्मयानंद के खिलाफ सबूत के तौर पर एक वीडियो पुलिस को सौंपी है। लड़की के दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त SIT को ये वीडियो सौंप दी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की लड़की ने अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे चिन्मयानंद पर 1 साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के ब्राह्मण वाले बयान के बाद निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता असमान भारत में जातिवाद को बढ़ावा देती है। सिब्बल ने कहा कि हम ओम बिड़ला जी आपका सम्मान इसलिए नहीं करते कि आप ब्राह्मण हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप लोकसभा स्पीकर हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सही से नहीं संभाला था, जबकि गृह मंत्री सरदार पटेल इस मुद्दे पर सही थे। उन्होंने यह बयान अहमदाबाद में सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिया। आंध्र प्रदेश में मौजूदा YSRCP सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के बीच जारी टकराव ने बड़ा मोड़ ले लिया है। पूर्व CM चंद्रबाबू और उनके बेटे लोकेश को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल नायडू पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गुंटूर जिले में सरकार के विरोध में रैली करने वाले थे। हालांकि रैली की इजाजत न मिलने पर उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक आतंकवादी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को बुधवार सुबह आतंकवादी के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और इस अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकवादी आसिफ को ढेर कर दिया गया। हाल में आसिफ ने सोपोर में फायरिंग की थी, जिसमें एक फल विक्रेता के परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े गलत हैं और कोई भी अपनी नौकरी नहीं खो रहा है। राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था वाले देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों का पर्दाफाश कर दिया है। श्रीलंका के खेल मंत्री हरिन फर्नांडो ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि दबाव जैसी कोई बात नहीं है और जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे से नाम वापस लिया है उन्होंने 2009 में हुई घटना के आधार पर फैसला किया है। बता दें, सोमवार को श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसको पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के दबाव के कारण लिया गया फैसला बताया था। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86.48 अंकों की तेजी के साथ 37,218.49 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 32.65 अंक उछलकर 11,035.70 पर बंद हुआ। अब तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।